ओम नमः शिवाय। एकादशी की श्रृंखला में फिर एक बार उपस्थित है निर्जला एकादशी। निर्जला अर्थ पानी के बिना, पानी के बिना उपवास। हाँ, भोजन के बिना तो सुना है, लेकिन पानी के बिना? जी हाँ, महाभारत कालीन कथा, लेकिन प्राप्त होती है पद्म पुराण में, व्यास जी और भीमसेन के संवाद में है। भीमसेन जी व्यास जी को पूछते हैं, हे व्यास जी, ये जो मेरे पांच भाई है और ये द्रौपदी भी और मेरी माता मुझे एकादशी का उपवास करने को कहते हैं और उस दिन भोजन भी प्रदान नहीं करते हैं, और गुरुदेव ये मेरा उदर, ये व्रकोदर है यानी वृक नाम की अग्नि मुझे खाना खाना ऐसा चिल्लाती रहती है, यानी कुछ खाए बिना मुझे रहा नहीं जा सकता, और मैं उस दिन दान तप यज्ञ सब कार्य करता हूं, लेकिन मुझे भूखा ये शब्द और भूखा रहना ये मुझे सहन नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई उपाय है तो बताइए। ये हमारे जीवन की कहानी है, लेकिन व्यास जी उसका निराकरण करते हैं और उसे उपाय बताते हैं। कहते हैं स्वर्ग और उससे भी अधिक ये निर्जला एकादशी है। स्वर्ग में जाने के लिए जो सोपान है ये उसका पहला पहलू या पहला स्थान है। व्यास जी विस्तार से कहते हैं, हे भीम, तुमने सब जाना है, वेद वेदांत पुराण और मानव धर्म भी जाना है, और इस कलयुग में उसे करना असंभव है, लेकिन उस सब शास्त्र का सार जो मैं तुम्हें बताता हूं वो है एकादशी, और उसमें भी मिथुन संक्रांति में आई हुई ये एकादशी यानी निर्जला, जिसे करने से सब पापों में से मुक्ति मिलती है, ये करना हमारे लिए बहुत ही हितावह है। ये सुनकर सहस्त्र हाथी के बल युक्त ये भीम पत्तों के जैसा बहुत ही कोमल हो गया और गुरुजी के सामने कहने लगा, गुरुजी कोई उपाय बताइए। तब गुरुजी ने कहा, सुनो व्रकोदर, सुनो भीमसेन, ये ऐसी वैसी एकादशी नहीं है जिससे करने से सब शास्त्र का सार और पुण्य प्राप्त मिलता है। सग और विसर्ग, लय प्रतिलय इत्यादि जो भी ये सृष्टि में निर्माण और विनाश का कार्य प्रभु करते हैं उसमें साथ रहने का मौका भी हमें प्राप्त होता है। ये जो व्रत करते हैं वो यम के जो दोष या यम की जो पीड़ा होती है उसमें से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा हे भीम, ये एकादशी करने से सब दान का फल मिलता है, सब तीर्थों के स्नान का फल मिलता है, सब जो पाप है उसमें से मुक्ति मिलती है, और मुख्य तो जो पांच महापाप है, ब्रह्म हत्या, गुरु द्रोह, चोरी और अभक्ष्य भोजन, ये सभी में से मुक्ति मिलती है। हे भीमसेन, ये कोई ऐसी वैसी एकादशी नहीं है, लेकिन स्वयं नारायण द्वारा निर्दिष्ट एकादशी है, जिसे करने से करोड़ों स्वर्ण दान का, करोड़ों नेनु दान का और ये अक्षय स्नान का भी फल प्राप्त होता है। इससे ही वैकुंठ में जाने की हमें प्राप्ति मिलती है। ये सुनकर भीमसेन के मन में एकादशी करने का एक नया विचार प्रकट होता है, इसलिए इस एकादशी को कोई भीम एकादशी भी कहता है और कोई पांडव एकादशी भी कहते हैं। व्यास जी से ये महात्म्य जानकर स्वयं भीम जी ने ये एकादशी की है, और शास्त्र के अनुसार कई जगह पर भीम जी ने ये एकादशी के साथ साथ जल में भी वास किया है, ऐसा जानने को मिलता है। मूलतः निर्जला शब्द का अर्थ हम यदि वेदांत की भाषा में जाने तो जल यानी हमारा मल है और मन है, और उस मन में निश्चित रूप से जो भिन्न भिन्न विकार उत्पन्न होते हैं उनमें से बाहर निकलना है,
यानी सामने पड़ा है तब भी उसे उपयुक्त नहीं करना है। यही इस एकादशी का हमारा जीवन में जो अर्थ ग्रहण करना है वो ग्राह्य है और वैज्ञानिकतया तो है ही है, लेकिन ये मूल सिद्धांत उससे प्राप्त होता है। भीम स्वयं एकादशी करते हैं और सहदेव अपने परिवार के साथ स्वर्ग में जाने का मौका प्राप्त करते हैं। मूलतः ये एकादशी अपने देह को शुद्ध करने की क्रिया प्रक्रिया और वैज्ञानिक रीति है। आइए साथ मिलकर किए हुए ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी और गुरुद्वेष इत्यादि दोष को निवृत्ति के साथ साथ हमारे देह में रहे हुए सब विकारों को दूर करने का संकल्प इस एकादशी के साथ करते हैं। पवित्र इस मास में आई हुई एकादशी को करके प्रभु के पद में, प्रभु के चरणों में प्रीति प्राप्त करने का निर्णय करते हैं और एकादशी का संकल्प करते हैं। सनातन शिव शक्ति मंदिर के माध्यम से सुनी जा रही इस एकादशी कथा में सभी भक्तगण मन में संकल्प करें, हम ये एकादशी करेंगे और हम अपने विकारों से मुक्त रहेंगे। सभी के हृदय में स्थित भगवान को प्रणाम और ओम नमः शिवाय।